एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है एयरपॉड 2 और इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और इसकी फुल डिटेल आपको देने वाली हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर इसकी प्राइस रेंज की बात कर ले तो ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 12,500 रुपए की रेंज में मिल जाता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको 13,500 रुपए की रेंज में पड़ जाता है। और अगर आप इसका प्रो वर्जन लेना चाहेंगे मार्केट में तो वो आपको कम से कम 10,000 रुपए के डिफरेंस में देखने को मिलेगा, यानी कि वो आपको 22,500 रुपए के समथिंग आपको मिलेगा। तो बॉक्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और बॉक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके कुछ यूजर मैनुअल गाइड हैं एयरपॉड्स के, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो ये रहा आपका एयरपॉड, इसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं और बाकी चीजें देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि इसके केस को चार्ज करता है। तो इसकी लेंथ आपको 1 से 1.5 मीटर के बीच में मिल जाती है और जो वायर की क्वालिटी है काफी प्रीमियम है। तो ये रहा आपका एयरपॉड, तो इसको आपको ऐसे ओपन करना है। तो ये रहा आपके केस का फर्स्ट लुक, आप देख सकते हैं काफी प्यारा है। और यहाँ पे आपको एक रीसेट की मिल जाएगा और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, तो इसको आप ऐसे करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट देखने को मिलती है। और इसको अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, निकालने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, यानी कि ये चार्ज है ऑलरेडी। तो ये रहा आपका एयरपॉड, तो इसका मैं लुक दिखा देती हूँ आपको पहले। तो ओवरऑल आपको बॉक्स में एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, एयरपॉड देखने को मिल जाता है और चार्जिंग केस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये एक वायरलेस एयरपॉड है जो कि ब्लूटूथ पे वर्क करता है। तो अगर बात कर लेते हैं इसके वेट की, तो यहाँ पे आपको 4 ग्राम का वेट मिल जाता है एक एयरपॉड का। अगर दोनों एयरपॉड की बात करें तो दोनों आपको 8 ग्राम के वेट में मिलेंगे और काफी लाइट वेट है, इस वजह से ये काफी कम्फर्टेबल है। और चार्जिंग केस का जो वेट है वो आपको 38 ग्राम का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की। तो इसमें आपको डुअल माइक्रोफोन मिल जाता है, एक का काम होता है वॉइस कैप्चर करना और दूसरे का काम होता है नॉइस कैंसिलेशन का। इसकी वजह से आपको काफी हद तक नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। और इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि मोशन को डिटेक्ट करता है, और स्पीच डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाता है। तो इससे होता क्या है कि जब ये आपके कान पे टच होता है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और इसको पता चल जाता है कि ये आपके कान से कनेक्ट हो गया है, और जैसे ही आप निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसकी कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है और ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, तो एप्पल के किसी भी डिवाइस के साथ आप इसका सेटअप कर सकते हो। मोबाइल, मैकबुक, टीवी वगैरह या फिर वॉचेस वगैरह किसी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और क्विक एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको डबल टैप करना है या फिर हिस्ट्री बोलना है, तो यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस हो जाएगा। और डबल टैप के साथ ही आप प्ले, स्किप और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे केस ओपन करना है, तो आपको इन दोनों को इसमें रख देना है तो ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपका केस यहाँ पे चार्ज होना चाहिए ऑलरेडी, अगर आपका केस चार्ज नहीं है तो आप इस पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों फुल चार्ज होने पे यहाँ पे आपको 5 घंटे का बैकअप मिलता है। और अगर आपका एयरपॉड डिस्चार्ज हो गया है तो यहाँ पे आप 15 मिनट के लिए रख देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का टॉक टाइम का बैकअप मिल जाता है। तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप बॉक्स ओपन करेंगे तो इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आप सेटिंग ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और अब आपको क्या करना है, ये वाला एक एयरपॉड निकाल के अपने कान में लगाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और डन पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये आपका कनेक्ट हो चुका है। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपॉड आपका कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है, और अगर मैं इसको कान में से निकाल दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के बारे में बताया जाता है कि आपको एयरपॉड और केस कितना चार्ज है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।